टेक्निक। इस टेक्निक का आविष्कार नोबेल प्राइज साइंटिस्ट रिचर्ड फाइनमैन ने किया था। इस कायनात की कोई भी चीज तुझे पढ़ने से रोक नहीं सकती, बस तेरे अंदर पढ़ने की जिद और जुनून होनी चाहिए। तो मैंने भी जिद ठानी है कि ऐसे तरीके आप सभी को बताऊंगी बस पढ़ने में मजा ही आ जाए। तो इस मजे को बरकरार रखते बढ़ते वीडियो की और इस वीडियो के तीन पार्ट में डिवाइड किए गए। इस वीडियो को पार्ट वन में जानेंगे टाइप ऑफ मेमोराइजेशन, पार्ट टू में जानेंगे क्विक टू रिमेम्बर फास्ट, पार्ट थर्ड में जानेंगे फाइनमेंट टेक्निक। तीसरा पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आप भूल कर भी मिस मत कीजिएगा। तो अगर आपको टाइप ऑफ मेमोराइजेशन, ट्रिक टू रिमेंबर फास्ट ये दोनों ट्रिक आपको पता है तो आप डायरेक्ट फाइनमेंट टेक्निक इस टाइमिंग पर आप विजिट कर सकते हैं। वीडियो को स्किप करके वहां डायरेक्ट आप पहुंच सकते हैं और अपने टाइमिंग को सेव कर सकते हैं। तो ज्यादा लेट ना करते हुए अपनी सुपर फास्ट ट्रेन से बढ़ते पार्ट वन टाइप ऑफ मेमोराइजेशन की तरफ। टाइप ऑफ मेमोराइजेशन याद करने के प्रकार, इसके कई पार्ट हैं। नंबर वन रेसिटेशन मेथड, नंबर टू होल एंड पार्ट मेथड, नंबर थ्री एक्टिव एंड पैसिव मेथड, नंबर फोर एसोसिएशन मेथड, नंबर फाइव डीप एंड सरफेस मेथड। इन सभी को थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे हल्का। नंबर वन रेसिटेशन मेथड, इस मेथड में एक से दो बार जो भी टॉपिक आपने चूज किया उसे एक से दो बार रीड करते हैं और फिर अपने माइंड में बिना देखे उसे रिकॉल करते हैं। नंबर टू होल एंड पार्ट मेथड, इसमें दो टाइप है होल एंड पार्ट। होल मेथड में किसी भी टॉपिक को आप एक ही बार में याद करते हैं और पार्ट मेथड में उसी टॉपिक को छोटे छोटे चंक्स में बांट कर फिर लर्न करते हैं। ओके नंबर थर्ड एक्टिव एंड पैसिव मेथड, एक्टिव मेथड में किसी भी टॉपिक को आपने जो चूज किया उसे रीड करते हैं, रिमेम्बर करते हैं एंड देन उसे लिख कर प्रैक्टिस करते हैं, जबकि पैसिव मेथड में सिर्फ उस टॉपिक को आप रीड एंड रिमेम्बर करते प्रैक्टिस नहीं करते हैं। एंड इसमें सबसे वन ऑफ द बेस्ट है एक्टिव मेथड, क्योंकि लिखने से बहुत ज्यादा चीजें याद रहती है। नंबर फोर एसोसिएशन मेथड, इस मेथड में जो भी टॉपिक याद कर रहे हो एक स्टोरी की तरह याद करते हैं, खुद से उसमें चीजों को एसोसिएट करते हैं एक के बाद एक, अपने सेंसेस का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, स्टोरी बनाते हैं एंड देन फिर उसे लर्न करते हैं। नंबर फाइव डीप और सरफेस मेथड, डीप में चीजों को डीप में समझ कर याद करके उसके कॉन्सेप्ट उसके बेस को समझ के लर्न करते हैं, जबकि सरफेस मेथड में सिर्फ ऊपर ऊपर जो चीजें लिखी गई है बस उसे ही रट लेते हैं, वही हो गया सरफेस मेथड। इसमें सबसे वन ऑफ द बेस्ट है एक्टिव मेथड एंड डीप मेथड, ये दोनों बहुत ही बेस्ट है लर्निंग के लिए जो कि आप याद करेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे। ओके ये हो गए हमारे टाइप ऑफ मेमोराइजेशन। अपनी सुपर फास्ट ट्रेन से बढ़ते हैं अगले प्लेटफॉर्म की तरफ। तो उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक बटन दबा दीजिए फटाफट और अपने आप बढ़ते पार्ट टू की तरफ। ट्रिक टू रिमेम्बर फास्ट, इसमें दो तरीके मैं आपको बताऊंगी, दो ट्रिक कहिए दो तरीके दो पार्ट कहिए। नंबर वन प्रैक्टिसिंग एंड टेस्टिंग, नंबर टू सेल्फ एक्सप्लेनेशन। वैसे तो ट्रिक और भी बहुत है, सबसे बेस्ट ट्रिक है वही मैं आपको बता रही हूँ। इस वीडियो के पार्ट वन भी है जो कि मैंने उसमें बहुत ही और भी तरीके बताए हुए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वो जरूर चेक कर लें। तो नंबर वन प्रैक्टिसिंग एंड टेस्टिंग, जब भी कोई आप टॉपिक चैप्टर लर्न करते हैं तो उसे याद करने के बाद उसकी प्रैक्टिस लिख कर करना जरूरी है, उसको टेस्ट ले खुद से, इससे बेहतर आप कमांड आता है जो भी चीजें आप याद करते हैं। नंबर टू सेल्फ एक्सप्लेनेशन, अगर आप स्टडी समझ कर करते हैं कोई भी चीज को याद करते हैं समझ करके तो ये आप सबसे बेस्ट ट्रिक होने वाली है। इसमें जो भी आप पढ़े लर्न किए रिमेम्बर किए अपने शब्दों में खुद से एक्सप्लेन करते हैं, इससे आप एग्जाम में बेहतर लिख पाते हैं और फास्ट। ये दोनों ट्रिक हमारे नेक्स्ट पार्ट फाइनमेंट टेक्निक में इजिली एक साथ में अप्लाई कर सकते हैं। तो पार्ट थर्ड की तरफ बढ़े उससे पहले वीडियो को सभी स्टूडेंट के साथ शेयर कर दीजिए कि उन्हें भी हेल्प हो। आई होप कि आप लोगों ने कर दिया होगा। फाइनमैन टेक्निक, इस टेक्निक का आविष्कार नोबेल प्राइज साइंटिस्ट रिचर्ड फाइनमैन ने किया था। इस टेक्निक का इस्तेमाल जो भी चीजें याद करेंगे वो परमानेंट याद रहेंगे। इस टेक्निक के चार स्टेप हैं। नंबर वन चूज अ कॉन्सेप्ट यू वांट टू लर्न अबाउट, नंबर टू प्रिटेंड यू आर टीचिंग इट टू अ स्टूडेंट लाइक क्लास 3 और 4, नंबर थ्री आइडेंटिफाई गैप्स विच यू आर एक्सप्लेनेशन, नंबर फोर गो बैक टू सेम मटेरियल टू बेटर अंडरस्टैंडिंग रिव्यू एंड सिंप्लीफाई। चलिए इन सभी को डिटेल्स में जानते हैं। नंबर वन चूज अ कॉन्सेप्ट यू वांट टू लर्न अबाउट, सबसे पहले वो टॉपिक वो चैप्टर वो जो भी चीजें आपको लर्न करनी है उसे आपको पहले आपको चूज कर लेना है, ठीक है, उसे आपको पहले रीड करना, चूज करने के बाद उसे आपको रीड करना, उसके बाद में उसके सब टॉपिक को आपको निकाल लेना। सब टॉपिक क्या हो गए, टॉपिक क्या होगा उसे थोड़ा समझते, टॉपिक वो हो गए जैसे कोई चैप्टर है तो वो आपका जैसे सेल वो एक चैप्टर हो गया, उसमें जितने भी अंदर में डिटेल्स दिए गए जैसे सेल कैसे बनती है, सेल क्या है, सेल कैसे वर्क करती है, सेल के जितने सारे डिटेल्स हो गए एक एक वो सब टॉपिक हो गए। तो उसको उसके लिए आपको क्या करना है, एक व्हाइट पेपर लें और उसमें टॉपिक डाल दें और टॉपिक के नीचे सब टॉपिक डालें और उस सब टॉपिक के नीचे आपको एरो डाल के तीन क्वेश्चन डालने हैं। वो तीन क्वेश्चन क्या है, वो नंबर टू प्रिटेंड यू आर टीचिंग स्टूडेंट क्लास 3 और 4, इसमें जानेंगे मतलब कि आपको ऐसा बताना है कि आप जैसे कि 3 और 4 क्लास के बच्चे को आप बता रहे हो समझा रहे हो जो भी चीजें आपने लर्न की है आपने समझी है। उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी सब टॉपिक आपको निकाले उसके नीचे आपको तीन एरो लगाने हैं, नंबर वन व्हाट लिखने हैं, नंबर टू में आपको लिखने हैं हाउ और नंबर थ्री में लिखने हैं व्हाई। इन तीनों को आपको खुद से एक्सप्लेन करने हैं एकदम शॉर्ट एंड सिंपल
शब्दों में इतना सिंपल, इतना शॉर्ट में कि आप 3 और 4 क्लास के बच्चे को आप समझा सके, ऐसा आपको अपने सब टॉपिक के डिटेल्स लिखने हैं। और ये तीनों क्वेश्चन ना भी हो पाए तो जरूरी नहीं है, 2 भी हो जाते हैं तो आपके हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको उस सभी चीजें जो आपने लर्न की हैं उसे आपको एकदम इजी और सिंपल वे में लिखना है तीनों क्वेश्चन को कवर करते हुए। नंबर 3, आइडेंटिफाई गैप्स विच योर एक्सप्लेनेशन। अगर आप सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं पा रही, उतने अच्छे से नहीं समझा रहे, तो उन सभी मटेरियल जो पहले है, जो चीजें आपने इकट्ठा की है, उन सभी को फिर से आप देखें कहां मिस्टेक करें, कहां क्या कर रहे हैं, चार्ट बनाए हैं पेपर में, उसे समझे, फिर उसे समझाएं और समझे फिर से। ओके, नंबर 4, गो बैक टू सेम मटेरियल एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग रिव्यू एंड सिंप्लीफाई। अच्छी अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग के लिए उन सबको अच्छे से रिव्यू करें। समझ में आपको आ गया, सब कुछ आ गया, आपने जो भी मटेरियल थे, आपके जो भी सब्जेक्ट था उसने आपने रीड किया, उसके बाद आपने टॉपिक, सब टॉपिक आपने निकाले, उसके बाद आपने उन सभी को क्वेश्चन को कवर किया, उसे लर्न कर लिया, उसके बाद लास्ट एंड फाइनल मेथड है कि आप उसे अच्छे से रिव्यू करें ताकि वो आपके माइंड में अच्छे से रिफ्लेक्ट रहे और आप उसे बेहतर तरीके से एग्जाम में आप लिख पाए। तो ये सभी ट्रिक थे जिससे कि आप अच्छे से अच्छा अपने एग्जाम में लिख पाते हैं, और ये मेथड बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट मेथड है लर्निंग के लिए, बहुत ही बेस्ट, बहुत ही इजी और बहुत ही अमेजिंग है। एक बार मेरे कहने पर ट्राई करके आप जरूर देखें। ये वीडियो मैं यहीं पे खत्म करती हूँ, एंड करती हूँ, मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपनी कारवां की तरफ बढ़ते रहिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे, क्योंकि इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो मैं लाती रहती हूँ, और बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दे अपडेटिंग वीडियो के लिए। मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए और स्टडी करते रहिए। बाय बाय।